हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की टाइपिंग स्पीड है 45 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 195 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 3/1/2016 को 11 बजे अखाड़ा रोड सुभाष चौक देवास में फरियादी श्रीमती चेतना को न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने हेतु केस वापस लेने हेतु फरियादी की। समाज में ख्याति को क्षति पहुंचाने की धमकी दी तथा फरियादी को धमकी देकर संत्रास कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फुल स्टॉप, पैरा लेंगे। प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्ता चेतना की सास है। फुल स्टॉप। यह भी स्वीकृत है कि चेतना का विवाह अपूर्व के साथ दिनांक को हुआ था। फुल स्टॉप। अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि फरियादी ने थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि उसका विवाह दिनांक को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अपूर्व के साथ हुआ था। फुल स्टॉप। शादी के बाद लगभग 1 वर्ष वह अपने ससुराल में रही। उस दौरान वह प्रेग्नेंट हुई। तब उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान करना चालू कर दिया था। फुल स्टॉप। वह अपने ससुराल में अपने मायके देवास आ गई थी और अपने माता पिता के साथ निवास करने लगी थी। फुल स्टॉप। अभियुक्ता ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है। फुल स्टॉप, पैरा लेंगे। फरियादिया चेतना का कहना है कि आरोपिया उसकी सास है। फुल स्टॉप। घटना दिन के लगभग 11:30 बजे की है। फुल स्टॉप। वह अपने बच्चे के साथ घर पर थी। तभी आरोपिया घर पर आई और धमकी देने लगी कि
उसके खिलाफ जो घरेलू हिंसा का केस है उसे वापस ले लो। उसने मना किया कोमा तो आरोपिया उसे गाली देने लगी। गाली सुनने में अपमानजनक लगी फुल स्टॉप। आरोपिया ने उसके साथ आधा पौन घंटा विवाद किया था और उसे बदनाम करने के लिए धमकी दी और कहा कि पूरे महू में बदनाम कर देगी फुल स्टॉप। आरोपिया ने उससे कहा कि वह उसे छोड़ेगी नहीं कौमा। यह सुनकर उसे बुरा लग रहा था, वह रो रही थी फुल स्टॉप। घटना के 3-4 दिन बाद आरोपिया ने उसकी फेसबुक की प्रोफाइल में उसके बच्चे के साथ उसके फोटो पर कमेंट किया कि साली ये पाप किसका है। उसके बाद वह उसी दिन थाना कोतवाली देवास में रिपोर्ट लिखाने गई थी, जहां उसे अगले दिन फेसबुक प्रोफाइल जिसमें आरोपिया ने कमेंट किया था उसका प्रिंट लाने के लिए कहा था फुल स्टॉप। उसके बाद दिनांक को उसने आरोपिया के विरुद्ध रिपोर्ट लेख कराई थी फुल स्टॉप। घटना स्थल का मौका नक्शा उसकी निशानदेही से बनाया था फुल स्टॉप। पैरा लेंगे फरियादी चेतना के कथनों के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने योगेंद्र लश्करी कोमा सुधीर गुप्ता कोमा कैलाश तथा अनीता लश्करी के कथन कराए हैं फुल स्टॉप। विवेचना अधिकारी सहायक उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र राजौरिया के अनुसार उन्होंने अपराध क्रमांक 64/16 धारा 506 की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी फुल स्टॉप। उनके द्वारा फरियादी चेतना की निशानदेही से घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया था फुल स्टॉप। इस कारण फरियादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सामान्य से अधिक सूक्ष्मता तथा सतर्कता से
मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, फुल स्टॉप। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।